नमस्कार, स्वागत है आपका GBN24 न्यूज में। मैं आपके साथ जूही। आइए नजर डालते हैं आज की एक खास रिपोर्ट पर। संगरूर में धरना प्रदर्शन के दौरान किसानों पर हुई लाठी चार्ज में किसान प्रीतम सिंह की मौत हो गई। मृतक किसान की पहचान 65 साल के प्रीतम सिंह के रूप में हुई है। संगरूर के लोगोवाल गांव में किसान संगठनों की ओर से धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया था। कल 22 तारीख को अलग अलग संगठनों की ओर से चंडीगढ़ की ओर मार्च करने का कार्यक्रम रखा गया था, लेकिन इस प्रदर्शन में पुलिस प्रशासन की ओर से भारी लाठी चार्ज किया गया, जिसमें एक दर्जन से अधिक किसान घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए सरकारी राजेंद्र अस्पताल पटियाला लाया गया, जिसमें से एक किसान की मौत हो गई। मृतक किसान की पहचान प्रीतम सिंह के नाम से बताई जा रही है, जिनकी उम्र 65 वर्ष थी। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 16 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜੋ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਜੋ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। बर्बाद हुई फसलों का मुआवजा, साथ ही बाढ़ और मजदूरों की विभिन्न मांगों को लेकर कल किसान संगठनों की ओर से चंडीगढ़ की ओर मार्च करने का कार्यक्रम रखा गया था, लेकिन उससे पहले ही किसानों पर प्रशासन की ओर से लाठी चार्ज कर दिया गया, जिसमें कई किसानों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। इसकी पुष्टि साथी किसानों ने की है। हालांकि एक और किसान महिला की मौत की खबर सामने आ रही है, जिनकी पहचान अभी तक सामने नहीं आई है। आज के लिए केवल इतना ही। ऐसे देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहने के लिए देखते रहें GBN24 न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद। ये है जेनेसिस मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं GBN24 न्यूज।